केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदिशा जिले के सरौंज और चाचौड़ा में सभाएं की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंटाधार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पिछले 18 सालों में बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाया है। अब हम बेमिसाल मध्य प्रदेश को वेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे। कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी है जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो क्या गारंटी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम किया है, नई संसद बनाई, धारा 370 हटाई, कश्मीर को अपना बनाया और अयोध्या में अब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये मध्य प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती। कमलनाथ जी को नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दिग्विजय जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी को राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ ये लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है वो मध्य प्रदेश और भारत का भला नहीं कर सकते।